हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट HDFC में है, और जैसा कि आप जानते हैं कि HDFC इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के मामले में बेस्ट बैंक है, ठीक है, और नंबर वन पर भी है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। ठीक है, मेट्रो मतलब हाईटेक सिटी, इसमें अगर आपका अकाउंट है तो आपको इसमें मिनिमम 10,000 रुपये बैलेंस रखना होगा, जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है आपके खाते में, वरना उसका चार्ज कटता है। ठीक है, अगर आपका खाता शहर में है, अर्बन एरिया में है, तो भी आपको उसमें 10,000 रुपये बैलेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सेमी अर्बन में है, यानी कि कोई छोटा शहर है, उसमें अगर आपका खाता है तो आपको उसमें 5,000 रुपये रखना ही होगा, और अगर रूरल में है, गांव एरिया में है, तो आपको 2,500 रुपये अपने खाते में रखना होगा। और इसमें आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं, ATM कार्ड, चेक बुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसमें सभी फैसिलिटी आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि HDFC बैंक जो होती है वो अपने ATM कार्ड पे कितने ट्रांजेक्शन आपको देती है। अगर आप के पास HDFC का ATM कार्ड है तो आप HDFC ATM से ही 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब HDFC टू HDFC 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते हैं। नॉन HDFC ATM अदर सिटीज़, अगर किसी और बैंक में करते हैं और अदर सिटी में करते हैं, दूसरे शहर में करते हैं, तो 5 ट्रांजेक्शन फिर भी आपको फ्री मिलते हैं। ठीक है, नॉन HDFC ATM टॉप 6 सिटीज़, टॉप 6 सिटीज़ का मतलब है जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे ऐसे जो सिटीज़ हैं, ये टॉप सिटीज़ हैं, इसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपने ATM से, वो भी HDFC के ATM से नहीं, किसी और ATM से, तो आपको यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। इनके ऊपर आप जितने भी ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे उसका आपको पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। यदि आप 5 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं HDFC के ATM से और आप 6th ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो उसका आपको चार्ज देना होगा, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो उसका भी चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, वो आपके अकाउंट से ही डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा HDFC बैंक। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे बैंक हैं, हर बैंक का अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और RD FD जो जो है, सब पे अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ रेट देखने को मिलता है। तो हमें HDFC में अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आपको 3% इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, यानी कि जिसे FD हम बोलते हैं, तो उस पे आपको 5% यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट रेट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट पे 5%। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ATM डेबिट कार्ड चार्जेस। ठीक है, रेगुलर ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, अगर आपके पास ऐसा ATM कार्ड है तो आपको इसका 150 रुपये चार्ज करना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी बैंक में फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको जो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड होता है वो फ्री मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये काम जरूर करना। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।